हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी अभी एक रिपोर्ट मिला है कि आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन होने का चांसेस है, क्योंकि न्यूज़ 18 बांग्ला के रिपोर्टर ने अपडेट दिया है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन इन द सेंस कि पेपर आपको भेज दिया जाएगा, आपको सॉल्व करके उसको अपलोड करना है। दोस्तों इसी बात पर कुछ बच्चे आए हैं, उन लोगों से हम लोग कमेंट लेते हैं कि वो लोग 12 में नहीं, उनसे कमेंट लेते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, कि उन लोग ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम कैंसिल कराना चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोगों का व्यू लेते हैं। आइए देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। आइए चलिए। सो बाबू, एक बच्चा खड़ा है, इनको दिखाइए। हाँ, क्या नाम है वो आपका? नितेश नाम है। नितेश, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? नहीं होना चाहिए। मतलब वो लोग ऑनलाइन एग्जाम का बात करते हैं, ऑनलाइन लेना चाहिए या कैंसिल कर देना चाहिए? कैंसिल कर देना चाहिए। कहे ऐसा कुछ, मतलब जो लग रहा है फ्री होके बोलिए, क्या लग रहा है? सिचुएशन क्रिटिकल है, मतलब आप चाहते हैं एग्जाम हो ही नहीं? अच्छा चलिए, अच्छा बात है। विवेक से पूछते हैं। विवेक, क्या लग रहा है बाबू, क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताइए कैमरा में। विवेक, क्या लग रहा है, एग्जाम होना चाहिए भाई कि नहीं होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए या कैंसिल हो जाना चाहिए? आज होने नहीं होने पर बात नहीं कर रहे, कैंसिल ऑनलाइन को आप सपोर्ट नहीं करते? ऑनलाइन होगा तो क्या प्रॉब्लम है? आप लोग का एफर्ट कुछ रहे चाहे नहीं रहे, उससे क्या है? आपको आपको मार्क्स से मतलब ना, एफर्ट से मतलब है? मार्क्स से मतलब है तो फिर आप ऐसा बात बोल रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अपना देखिए, हम मजाक कर रहे हैं थोड़ा, आप लोग माइंड मत करिएगा, हम ऐसे मजाक करते बच्चे लोग से। बच्चे अपना फीलिंग शेयर करें कि एग्जाम ना ही ले, क्योंकि ऑनलाइन में मेरा एफर्ट कहाँ रहेगा, हम लोग का एफर्ट कहाँ रहेगा। देखिए, हम आपको नेचुरल फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। आइए और कुछ बच्चे, कल जो भाई से पूछे, भाई लोग खड़े हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। आइए थोड़ा इनसे बात कर ले। हाँ, और कोई दिख रहा भाई क्लास में, सेंटर के बाहर? देखिए देखिए देखिए, हम लोग का जो एरिया है ना, जहाँ पे कोचिंग सेंटर वाला ही एरिया है, वहाँ पे बच्चे लोग आते जाते रहते हैं। आइए भाई से पूछते हैं, इनको दिखाइए थोड़ा। क्या नाम बाबू आपका? सारिक खान। इनको तो आपने कल देखा होगा भाई, आपको क्या लग रहा है? आज तो कल तो आपसे बात हुआ था, आज वो लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने का चांसेस है, अब आप क्या बोलना चाहते हैं? ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। मतलब आप बोले कैंसिल कर दो, ठीक नहीं, ऑनलाइन नहीं लो, ये क्या है? क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं है कि सब ऑनलाइन। अब नवाज पढ़ के आए क्या भाई? हाँ। अच्छा, तो क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका पास उतना रिसोर्स नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम। ये बात कल भी बोले थे कि रिसोर्स नहीं है इस कारण से। अच्छा देखते हैं, ये भाई जो बोले थे कि कल एग्जाम होना चाहिए, उनको कैसा लग रहा है, उनका मन में क्या फीलिंग है? इधर आइए बाबू, कल बोल दिया। अच्छा ठीक है, वो बच्चा बोले कि नहीं एग्जाम ले रहा, मतलब ऑनलाइन लेगा, गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा में वो बोले कि नहीं ऑनलाइन एग्जाम होगा, हम देंगे नहीं। देखिए एक बच्चा साइकिल से घूम रहे हैं आपके लिए, बाबू इधर आइए थोड़ा, आइए ना, देखिए साइकिल से आइए। देखिए बच्चा साइकिल से आए हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, ये ऑनलाइन एग्जाम का बात हो रहा है, उच्च माध्यमिक का भाई बहन लोग का, आपको क्या लग रहा है? ऑनलाइन होना चाहिए। देखिए भाई सपोर्ट कर दिया, ऑनलाइन होना चाहिए, भाई के लिए ताली मारिए, भाई के लिए एकदम शेयर, भाई के लिए वीडियो शेयर होगा, भाई के लिए वीडियो शेयर होना चाहिए। भाई बोल रहे सपोर्ट कर रहे, भाई आप लोग को बड़ा भाई, आप लोग का भाई बोल रहे कि आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। दोस्तों ये ऑनलाइन और कैंसिल के बीच में सस्पेंस है, एक दिन का और इंतजार है, खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक का रिपोर्ट से ये पता चला है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने का चांसेस है, क्योंकि कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को भी ये सजेशन बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हम पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी और बताएंगे भी। शेयर करिए।